दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। यह इन्फॉर्मेशन मिथिला विश्वविद्यालय के बीए बीएससी बीकॉम कि वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जिनका सेशन 2019 से 22 है। वैसे छात्र छात्राएं अभी पार्ट टू के रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, साथ में उनके पार्ट थ्री के एग्जाम्स कब होंगे उनके भी बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। देखिये 13 तारीख को आप लोगों को के जो पार्ट थ्री के लिए 100 का GES होता है उनके लिए ऑनलाइन क्लास की अनाउंसमेंट की गई है। जीएस क्लास की जो अवधि रहेंगे वो 3 बजे से लेकर 4:30 तक अर्थात 1.5 घंटों की रहेंगे। गूगल मीट के माध्यम से कराए जाएंगे और छात्र छात्राएं ने नोटिस देख लिए। ये बोला यूनिवर्सिटी की तरफ से तो जारी किया गया है। पिछले नोटिस में यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब है साथ में DSW के जो जितने भी कर्मचारी है उनसे जब एग्जाम्स के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने बताया कि जून तक सभी विलंबित परीक्षाएं ले लिए जाएंगी। और यहां पे जो क्लास अनाउंसमेंट का जो नोटिस आया है इसे देख करके छात्र छात्राएं घबरा गए कि भाई यहां पे 18/5 से क्लास चलेगी और 31/7/2022 तक क्लास चलेगी। इसे देखकर छात्र छात्राएं ज्यादा परेशान हो गए और कमेंट करके कह रहे थे कि सर इतने दिन तक अगर क्लास चलेंगे तो विश्वविद्यालय प्रशासन क्यों कह देते हैं कि जून तक एग्जाम्स ले लिए जाएंगे, अगर नहीं कर पाते हैं तो फेकू की तरह बोलते क्यों है। तो मैं आप लोगों के इस वीडियो में सारा का सारा जानकारी बताने वाला हूँ और ये मैं अपने अनुभव के हिसाब से बताऊंगा कि आप लोगों के एग्जाम्स उसके बाद होंगे या इससे पहले हो सकते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो चला तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑन करके जरूर रखिएगा ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग तो पार्ट टू के एग्जाम्स दे दिए, रिजल्ट आएगा उसके बाद पार्ट थ्री के एग्जाम्स में थोड़ा ही समय दिया जाएगा तैयारी के लिए, तो क्यों ना अभी से ही तैयारी किया जाए। बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम, शुरू करो पार्ट थ्री की पढ़ाई लेके हरि के नाम। अब आप लोग कहिएगा कि इतने कम समय में पार्ट थ्री के एग्जाम्स की तैयारी कैसे करेंगे हरि के नाम लेकर के। तो भाई मैंने आप लोगों को पहले से भी सीधा साधा फंडा अपनाने के लिए कह रहा हूं और आज भी कह देता हूं। देखिए एग्जाम्स की कम समय बचा हुआ है, इस बीच में आप अगर चाहिएगा कि बुक उठा करके पूरा बुक पढ़ ले ऑनर्स का तो वो संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो उनके लिए तो है कि वो तैयारी कर पाएंगे, लेकिन आप लोग अगर तैयारी नहीं करते आ रहे हैं और आपका तैयारी भी नहीं हुआ है तो आप लोग यह समझिए कि आपके मार्केट में रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर मिल जाएगा और उसमें जितने भी साल में क्वेश्चन पूछे गए उनका सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा और कौन से क्वेश्चन किस वर्ष में पूछे गए वो भी यहाँ पे इंक्लूड रहता है। और तैयारी करना है पिछले 5 साल के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी, उसी में से आपको 70% से 100% तक क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे वो जीएस का हो या ऑनर्स का हो। आप लोगों के मार्केट में रेखा प्रकाशन के ऊपर मिल जाएगा, आप लोग ले लीजिएगा। आप कहिएगा कि हमारे मार्केट में नहीं मिल रहा है तो भाई आप होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, प्रकाशन वाले का नंबर मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दीपेश जी का नंबर है रेखा प्रकाशन का, और नहीं मिल रहा है तो आप उसे मंगवा भी सकते हैं, आपके घर तक ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा पहुंच जाएगा कम दिनों में। ठीक है, तो भी स्क्रीन पे नंबर दे दिया हूँ, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दे दिया हूँ उसका। देखिए आप लोग कहिएगा कि अभी पार्ट थ्री की ऑनलाइन पढ़ाई जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से चलाई जाएगी वो 31 जुलाई तक चलाई जाएगी, तो 31 जुलाई के बाद ही पार्ट थ्री के एग्जाम्स होंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, इससे पहले भी आप लोगों के एग्जाम्स हो सकते हैं और ऐसा हुआ है। पिछले साल पार्ट थ्री के छात्र छात्राओं के जीएस की पढ़ाई चल रही थी, उसी बीच यूनिवर्सिटी उस जीएस की पढ़ाई को रोक दिया और बीच से ही एग्जाम लेना शुरू कर दिया क्योंकि उनको सेशन कंप्लीट करना है ससमय। इस बीच आप लोगों के एग्जाम्स जीएस को रोक कर लिया जा सकता है, इसीलिए आप लोगों को अपने एग्जाम्स की तैयारी में जुटे रहना है। और रिजल्ट को लेकर के अभी तक जो भी अपडेट आई है उसके बारे में मैंने पहले भी बता दिए है तो आप लोगों को तो ये जानकारी है ही। ठीक है, अगर नहीं देखे वो वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे हूं। आई होप कि आप लोगों को सभी जानकारी समझ में आ चुका है, जो भी डॉट था मैंने क्लियर कर दिए हैं।